आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, लिट्टी चोखा। ये बंदे लोग ने पूरे रात भर मेहनत करके लिट्टी चोखा बनाया है, बिहार का स्पेशल लिट्टी चोखा। रात को सोए नहीं है बेचारे लोग। तो यही है, मालिक बनने का थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती है। बेचारे लोग ने बहुत मेहनत किया है बनाने के लिए, बहुत मेहनत, और हम लोग ने कुछ मेहनत नहीं किया, जस्ट सो के उठ के आ गए। ये कौन सा लोकेशन है मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ पे रुक के थोड़ा खाएंगे पियेंगे और फिर जाएंगे उसके बाद कहाँ, जहाँ जाने वाले हैं। ये जो लिट्टी चोखा है तो मालूम नहीं, इसमें जो अंदर में एक चीज भरा जाता है उसका नाम होता है सत्तू। आई डोंट नो ये बंदे लोग कहाँ से मैनेज किए इस चीज को, यहाँ मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। तो देख लीजिए सब मिलके लिट्टी चोखा एट क्रांगसुरी। ओके, यही लोग है मेरे दोस्त। क्रांगसुरी आओगे तो हम लोग को ये रूट फॉलो करना है, और रूट आप देख लो कैसा है, काफी हरियाली है आसपास में। और यहाँ से जो नहीं दिख रहा होगा कैमरा में, लेकिन वहाँ जाना है हम लोग को, तो डायरेक्ट सामने जाकर आपको दिखाता हूँ। और पीछे में देखिए ये लोग खाना लेके आ रहे हैं। भी मत आइए इधर, बेचारे लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए इसको पूरा नीचे तक भूल से भी मत आइए, बहुत ही फालतू जगह है, कुछ नहीं है देखने के लिए यहाँ पे, सिर्फ जंगल और कुछ एक छोटा सा नाला जैसे पानी मिलेगा। वेल इग्नोर हिम, बात मेरी सुनिए, क्योंकि मैं इसका होस्ट हूँ। ओके, तो इसका काम है बकबक करना, उसका काम है सिर्फ मतलब निगेटिव निकालना आदमी लोग का, पॉजिटिव नहीं निकालता है वो। ओके, तो नीचे जाके देखते हैं क्या है कैसे है, अभी के लिए तो बस इतना ही। लेकिन यहाँ से जो देख के काफी मजा आ रहा है मेरे को, तो 400 रुपया मेरा वसूल हो जाएगा। और ए टू जेड में आपको डिटेल्स बताऊंगा अभी जस्ट थोड़ी देर बाद, क्या कैसे है, कहाँ जा रहे हैं, सब ए टू जेड बताने वाला हूँ। सब खाना वगैरह लेके आ रहे हैं, मैं उसका भी फुटेज दिखाता हूँ आपको। क्रांगसुरी फॉल्स जो है तो आप उसका व्यू यहाँ से देख सकते हो, काफी मस्त है। अगर नीचे जाके देखोगे सेम फॉल्स तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि बोलते हैं ना टॉप से नीचे का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है, और फिर नीचे चले जाएंगे तो एज ऑलवेज, इसलिए बोला जाता है टॉप पे जाओ ताकि नीचे का व्यू अच्छा दिखे। लाइफ जैकेट्स वगैरह भी है, आप पहनना हो तो पहन सकते हो इफ़ यू डोंट नो स्विमिंग। तो चलिए मेरे दोस्त लोग काफ़ी आगे निकल गए, मैं भी जाता हूँ। और आज मैं आया हूँ क्रांगसुरी फॉल्स, जो कि है जयंतिया हिल्स में, वेस्ट जयंतिया हिल्स। ओके, और ये शिलोंग से 85 किलोमीटर दूर है, लगभग 3 घंटा लग जाते हैं बस में आने से। वैसे ये पिकनिक पार्टी है, आज मैं अकेले नहीं आया हूँ, आज लाइक बहुत लोग आए हैं। पर हेड 400 रुपीज़, बहुत सस्ता है ट्रस्ट में, क्योंकि टैक्सी बुक करना वहाँ से यहाँ के लिए अराउंड 2500 रुपीज़ हो जाता है, जिसमें 4 आदमी सिर्फ आ सकते हैं। तो अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ पिकनिक में आना ज़्यादा बेनिफिशियल है, खाना पीना सब के लोग इंतज़ाम किया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया लिट्टी चोखा है नॉर्थ, दिखाऊंगा ऑफकोर्स अगर नहीं दिखाया तो। तो जाते हैं अंदर, हमें टिकट लेना पड़ता है, टिकट का कॉस्ट कितना है मैं आपको बाद में डिटेल्स दे दूंगा। ओके, क्योंकि ये तो ग्रुप में आए हैं तो एक साथ ही पे हो चुका है। और जो यहाँ का जो वाटरफॉल्स है, क्या बोलते हैं इसको, क्रांगसुरी वाटरफॉल्स, तो वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल है, यहाँ आना मस्ट है अगर आप शिलोंग में आते हो तो। वैसे बहुत से फैक्ट्स हैं मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ। शिलोंग मतलब मेघालय मतलब वाटरफॉल्स, ये आप एक से एक वाटरफॉल्स मिलेंगे, बहुत सा वाटरफॉल्स है, हिल्स है, और हिल्स का मतलब मेघालय, यही है यहाँ पे देखने के लिए। नेचुरल ब्यूटी है, केव्स है,
यही सब है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं ज्यादा। वेल अगर आपको यहाँ में स्विमिंग करना है तो आपको लाइफ जैकेट आई डोंट नो क्या बोलते हैं लेना कंपलसरी है, और इसका जो प्राइस है सिर्फ 30 रुपीज़ है। इससे पहले हम लोग कहाँ गए थे, सिंतुंग विलेज और डाउकी वगैरह, वहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। तो वही तो मैं बोला, तो मैं बोल रहा हूँ भाड़ा पे। ओके तो 30 रुपीज सिर्फ लगता है और बाकी जगह 50 रुपए। तो देखता हूँ, मैं भी लूंगा और दिखाऊंगा आपको। वैसे आगे से देख के आता हूँ फिर उस साइड। अगर आपको यहाँ बोटिंग करना है तो पर हेड 100 रुपीज इस बोट पे। ओके पहले इसने बोला 100 रुपया, तो मुझे ऐसा लगा कि 100 रुपया में लाइक 4 आदमी, लेकिन नहीं, अभी क्लियर हुआ एक आदमी का 100 रुपया और लाइफ जैकेट 30 रुपीज में आपको लगाना पड़ेगा। और बात करें यहाँ की वेदर की, तो आज वैसे डेट है कितना, 7th अप्रैल 2018। मैं ये देख लीजिए टी शर्ट लगा के आया हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अभी नॉर्मल टेम्परेचर है। टेम्परेचर मैं बता दूंगा वैसे एग्जैक्टली कितना है मुझे नहीं मालूम, बट मस्त है। और व्यू देख लीजिए, क्या बोलूँ, आप देख सकते हो मैं अभी जिस पे बैठा हूँ, ये स्विमिंग पूल के पास जो चेयर्स बनाए होते हैं ना बैठने के लिए ओरिजिनल स्विमिंग पूल में, वैसा ही कुछ है, लेकिन ये देसी स्विमिंग पूल का बैठने वाला चेयर है। टूट गया नीचे तक बस, तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है। मैंने अपना ये लाइफ जैकेट ला लिया 30 रुपीज में और यहाँ से स्विमिंग करूंगा। फॉल्स देख लीजिए जबरदस्त है, ऊपर से तो मैं छलांग नहीं मार सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इधर से जरूर मारूंगा, मैं एक लेग मारूंगा और हो सकेगा तो कैप्चर करके भी दिखाऊंगा। ओके तो यही है, मिलते हैं आपको। वेल, अभी टाइम हो रहा है 3:33 और डेट एज इट इज़ 7th अप्रैल 2018। तो हम लोग का अभी जो पिकनिक था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग स्विमिंग किए ऑलमोस्ट 2 घंटा के आसपास स्विमिंग किए, और जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो था वो 30 रुपीज़ का लिया था हम लोग ने, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस था। और यू नो यहाँ में जो गहराई है वो ऑलमोस्ट 150 mm के आसपास है ऐसा बोला जा रहा था, बट एक्जैक्टली मुझे तो नहीं मालूम, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं गया है, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स लोग बोल रहे थे। तो विदाउट लाइफ जैकेट कभी मत जाना यार, अगर आप जानते भी हो स्विमिंग करना तो मत जाना, क्योंकि बहुत लोग स्विमिंग करना जानते भी है लेकिन इसमें डूब के मर चुके हैं अराउंड 2 आदमी के आसपास बिना स्विमिंग कॉस्ट्यूम के गए थे। तो और बात रहा अंदर एंट्री की, तो वो है 50 रुपीज़ पर हेड। ओके हम लोग अपना खाना वगैरह सब होस्टल से बना के आया था, तो हम लोग का पर हेड 400 रुपीज़ लगा एक आदमी। तो आप जस्ट कैलकुलेट करके देखो कितना अफोर्डेबल प्राइस में हुआ, 400 में होना इज ऑलमोस्ट आज के डेट में इम्पॉसिबल है। खाना खिलाया, गेट का एंट्री फीस भी यही, नाश्ता ब्रेक सब यही लोग किया, तो काफ़ी अच्छा था जो प्राइस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था, जो टीम्स थे यहाँ के काफ़ी अच्छे थे, वो लोग मैनेजमेंट अच्छा से किया। और मैं क्या बोलूँ, ये आ सकते हो, आना है, मस्त है, आप स्विमिंग बोटिंग वगैरह सब कर सकते हो, तो यही है। बोटिंग करने के लिए तो 100 रुपीज़ मैंने जैसे आपको बताया था, और आप इधर भी देख लो एक बार, मैं दिखा देता हूँ, बैठने के लिए काफ़ी अच्छा बनाया गया है, आप यहाँ भी बैठ सकते हो। इधर डाइनिंग टेबल के जैसा बनाया गया है, वहाँ पे भी बैठ के खाना वगैरह खा सकते हो, तो यही है, और कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। तो मिलते हैं आपसे कभी ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज लाते रहता हूँ। ओके शिलोंग के ऊपर जहाँ घूमने जाता हूँ उसके ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देता हूँ।
बात रहा बस वगैरह का, तो मैं उसका डिटेल्स नीचे दे दूंगा, ड्राइवर वगैरह का नंबर दे दूंगा, अगर आपको आना है तो आप भी आ सकते हो। और ऑलमोस्ट कितने आदमी आए थे? 30 आदमी के आसपास आए हम, तो आप अपना कैलकुलेट कर लेना हिसाब, 400 रुपये में हो जाए। वेल, शिलोंग में घूमने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाया है, वो लिस्ट में अराउंड 10 से 12 प्लेसेस और है जो मुझे अभी कवर करना है शिलोंग के ऊपर। ऑलमोस्ट जितने मेजर प्लेसेस है शिलोंग पे मैंने उसके ऊपर वीडियोस बना चुका है, और जो 10 से 12 प्लेसेस है मैं उसे ट्राई करूँगा उसको कवर करने के लिए। मेरे हाथ में एग्जैक्टली आज से अगर बोला जाए तो 1 महीना 23 दिन और है, ठीक है, तो इतना ही दिन है, मैं ट्राई करूँगा सारे जगह को। ये देखिए बंदरिया लोग आ गई। देखिए एक तो भैंस आ गई, वो तो गिरती ही है। वेल, अगर आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ से 40 रुपीज लगेगा एंट्री फी, और यहाँ पर रह भी सकते हो रात को, और रहना कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 500 रुपीज लगेगा। टेंट मिलेगा, हाँ टेंट दो आदमी के लिए, तो मैं तो बोलता हूँ टेंट इज़ द बेस्ट, क्योंकि आप घर में तो हरदम रहते ही हो, ठीक है, दीवारें में तो हर दिन हरदम रहते हो, कभी खुले में रह के देखो काफ़ी मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। तो 500 मुझे नहीं लगता है ज़्यादा है, पर हेड 250 लग रहा है, आप आराम से यहाँ रह सकते हो। वेट, मैं एक चीज़ और इनसे पूछता हूँ और आपको बताता हूँ। वेट वेट, सपोज इफ वी वांट टू गो फ्रॉम हियर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देन हाउ कैन वी गो? तो आप, मैंने पूछा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है यहाँ से, बसेस अवेलेबल है, शॉर्टकट आप डायरेक्ट बस से भी जा सकते हो। तो यहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर्स ये बोल रहे हैं, लेकिन 85 है एग्जैक्टली। तो आप ऐसा भाड़ा मान के चलो कि 90 से 100 रुपीस के बीच में लगेगा। इनको इस इंजन आपको मतलब एग्जैक्टली नहीं मालूम था कितना लगेगा, जस्ट अप्रॉक्स बताया इन्होंने, हाँ तो आप 100 रुपये मान के चलो। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, अगर मैं अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ कभी आता हूँ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, तो मैं कभी टैक्सी बुक नहीं करूँगा, कभी कुछ भी बुक नहीं करूँगा, ओके। मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली बस से आऊँगा यहाँ, उतर के आराम से यहाँ घूमूंगा, रात को स्टे भी करूँगा यहाँ, और रात को स्टे करूँगा टेंट हाउस में ऑफकोर्स, और यहाँ से डॉग की बहुत नज़दीक है, अराउंड 40 किलोमीटर है, तो फिर से आप उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएगा, तो 50 रुपया उसका लगेगा, तो आप डॉकी में भी जाके घूम सकते हो। तो मैं अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आप ऐसा फॉलो कर सकते हो, बेस्ट है, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो मुझे तो कोई सजेस्ट करने वाला नहीं है, लेकिन आप अगर आते हो तो आप ऐसा करके आ सकते हो, तो डॉकी जा सकते हो, और डॉकी से फिर वहाँ पे आसपास में बहुत सारे डॉकी में ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ डॉकी घूमने के लिए है, डॉकी में भी घूमने के लिए 2 दिन लग जाएंगे। हम लोग तो जाते हैं तो सिर्फ वो क्या है, लेक जो है वही देखते हैं, लेकिन बॉर्डर है, लेक है, सॉरी, और बहुत कुछ है जो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो जस्ट डॉकी गया था, हाँ बॉर्डर तो बोला मैं, तो बहुत आसपास में, अब वहाँ भी टेंट लेके स्टे कर सकते हो। डॉकी का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देखो, ओके। तो आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं कुछ छोड़ दिया हूँ इस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में कभी भी पूछ सकते हो, मैं फॉर श्योर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, कुछ काफ़ी बड़ा, ओके, जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। जैसी चाल